प्रतिबंधित पॉलीथिन के विरुद्ध जन जागरण अभियान एवं संगोष्ठी का आयोजन मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुष सभागार में संपन्न हुई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलीथिन के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय एवं प्रयोग दंडनीय अपराध है। प्रतिबंधित पॉलीथिन थैलियों का प्रयोग न करें और न ही किसी को उपयोग हेतु दुष्प्रेषित करें, अन्यथा दंड के भागी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने एवं पॉलीथिन मुक्त करने में सहयोग दें। उन्होंने बताया कि विदाई अनुभाग से निर्गत संशोधित अधिसूचना 15 जुलाई 2018 में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ना हो के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रतिष्ठित किया गया है। मंडलायुक्त ने आगे बताया कि इसी प्रकार अधिसूचना के दिनांक 15 अगस्त 2018 से प्लास्टिक व थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, ग्लास, प्लेटों, चमचों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध किया गया है तथा 2 अक्टूबर 2018 से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तथा औद्योगिक नगरी के आने वाले समस्त क्षेत्रों से निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया। नगर विकास अनुभाग 7 ने अपना नया रूल्स और नया नोटिफिकेशन किसी भी जारी करी है तो चिट्ठी भी आपको भी मिल जाएगी। तो सर 2000 का जो एक्ट है उससे सिलेंट फ्यूचर क्या थे और जो अभी हाल में जो नए अनुभाग ने जारी किया है उसमें क्या चेंज आया है वो मैं अपील है। No person, himself or through another person, all fit, ventilation, shaft, pipe and fittings connected with the private or public drainage works. In there the drainage and sewage system, interfere with the free flow of water and all, or be dangerous or cause a nuisance to be beneficial to the public health. या हम लोग इस तरीके से कहें कि ऐसा कोई भी सामान चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जिससे पब्लिक कन्वीनियंस अफेक्ट होता है, जैसे आप नाले में डाल दें तो पानी रुक जाए, बंद हो जाए, सीवर चोक हो जाए, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बैन कर दी। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाई दिस बिहाफ टू और बिल्डिंग के उनसे ये अपेक्षा की गई है कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारा गार्बेज है उसको तरीके से डिस्पोज किया जाए। ठीक है, और सेक्शन 6 जो अमेंड हुआ है, सेक्शन 6 अमेंड हुआ है, सेक्शन 6 पहले ये था कि लोकल अथॉरिटी मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर द ओनर और ऑक्युपेंट और पार्ट ओनर और पर्सन गिवन टू बी द ओनर और पार्ट ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग व्हिच हैज बिकम अ प्लेस ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रैकिंग और डिपॉजिट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एंड इज लाइकली टू ओकेजन अ न्यूसेंस टू हू और कॉज टू द रूल एंड द सेड गार्बेज सो अटैक सो स्टैक और कलेक्टेड एंड इफ इट इज ओकेजन सच ट्रैकिंग और कलेक्शन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज लाइकली टू अफेक्ट द ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम और इज लाइकली टू बी डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ इट शैल फोर्थविथ टेक सच स्टेप एट द कॉस्ट ऑफ पर्सन एलिजिबल इन पर्सन। तो इसमें लोकल अथॉरिटी को ये अधिकार दिए गए किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कहीं पे लैंड पे अगर कहीं तरीके का स्टैकिंग हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है जो कि पब्लिक नुसेंस पे कर सकता है तो वो डायरेक्शन दे सकता है और डायरेक्शन देने का अगर वो नहीं हटाता है तो उसको उसकी कॉस्ट पर प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और दैट इज द रेगुलेशन ऑफ यूज एंड डिस्पोजल, रेगुलेशन ऑफ यूज एंड डिस्पोजल। इसके नाम को ही चेंज कर दिया, सबसे पहले जो उसने काम किया है उसके नाम को ही चेंज कर दिया। अब उसका नाम हो गया है कि ऑर्डिनेंस कहता है कि ऑर्डिनेंस में भी ऑल द उत्तर प्रदेश
आप जैसे अवगत हैं कि जो हमारे 50 माइक्रोन से कम के जो पॉलीथीन बैग हैं उनके सेल, उनके हैंडलिंग, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके स्टोरेज पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ये इनको बताया गया है। हमारे जितने अधिकारी आए थे जो एनफोर्समेंट के जिन इंचार्ज हैं उनको आज ये बताया गया है। ये बताया गया कि ऐसे पॉलीथीन बैग जो कि 50 माइक्रोन से ऊपर के हैं उन पे मैन्युफैक्चरर का रजिस्ट्रेशन और नाम हो तो वो ही अलाउड है। नाम होना और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके अलावा जो हमारे प्लास्टिक के और मटेरियल जिन पे प्रतिबंध 15 अगस्त से लगेंगे और जो 2 अक्टूबर से लगेंगे उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसमें जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पहले नोटिफिकेशन से अवगत कराया जाए ताकि वो अपने स्तर पे जो उनके उनसे अपेक्षित कार्रवाई वो करें। तो ये सब विस्तार से बताया गया। तो जो सन 2000 में जो प्लास्टिक के संबंध में जो एक्ट लाया गया था उसमें कुछ संशोधन 2018 में 15 जुलाई के नोटिफिकेशन से किया गया है। उसमें जुर्माने का जो अमाउंट है उस वो चेंज किया गया है। और उस पहले एक्ट में लोकल बॉडीज़ के जो अधिकारी थे उनको अधिकार दिए गए थे रेगुलेशन की एक्टिविटी करने के लिए, तो नए एक्ट में जो नया संशोधन हुआ है उसके अंदर लोकल बॉडीज़ के अलावा जो और हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको भी इसमें अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये मेन ये चेंज है। और इसी के तहत ऐसे संबंधित विभाग जो कि इस कार्य को करेंगे उनकी आज बैठक बुला के उनको बताया गया था। अभी हम लोगों ने व्यापार मंडल और हमारे जो उद्योग के जो साथी हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि उनको भी हम लोग बता सके, उनके मन में जो संदेह हो डाउट हो वो हम लोग क्लियर कर सकें।